हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड एंड आर्ट, माय पैशन माय वे बाय निरूपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिनर में पनीर बटर मसाला बना रहे हैं। इसके लिए हमने पनीर लिया है और ये मसाला पेस्ट मैरिनेशन के लिए रखा है। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और जीरा मैंने पीसा है। ये दही, ये काजू मगज की हमने भिगा के रखा है इसको, इसकी हम पेस्ट बनाने वाले हैं। टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन, ये प्याज अदरक लहसुन का हम हल्का सा ब्लांच करके इसकी भी एक पेस्ट बनाएंगे, काजू मगज की एक पेस्ट बनाएंगे और ये सब जो चीज़ें हमने रखी है यहाँ पे, इसका हम मैरिनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हम इसमें ऐड कर देते हैं। दही भी डाल देंगे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हम जीरा भी ऐड कर देते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं। हमने पनीर अच्छे से मिक्स करके मसाले में इसको रख दिया है। अब चलिए इसका हम थोड़ा सा इसको हल्का सा बॉईल करना है, ब्लांच करना है एक्चुअली। अदरक लहसुन प्याज और टमाटर इसको एक साथ हम ब्लांच करेंगे और उसका एक प्योरी बनाएंगे। हमने ये पॉट में पानी ले लिया है। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन प्याज और टमाटर डाल देते हैं। इसको 2 मिनट हम बॉईल कर लेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसका गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करके इसकी एक प्योरी बना लेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए हम पनीर को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। हमने ये पैन में ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। हम आज पनीर बटर में बनाना है लेकिन बटर की जगह मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, प्योर घी। अब हमने ये जो पनीर मैरिनेट करके रखा है इसको हम डाल देते हैं। इसको गोल्डन होने तक हम पका लेंगे इसी में। टमाटर प्याज ठंडे हो चुके हैं, इसी में हम ये खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तेजपान है, स्टार एनिस, ब्लैक कार्डमम, ब्लैक पेपर, दालचीनी, थोड़ा सा जीरा है, ये इसी के साथ हम पीस लेते हैं। पनीर हो चुका है, देखिए कितने गोल्डन दिख रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा धुआं लगा देते हैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। हमने ये चारकोल रखा है गैस के ऊपर, थोड़ा सा ये लाल हो जाए फिर हम स्मोक देंगे उसको, पनीर को।
इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इससे बहुत सुंदर सा एक फ्लेवर आएगा पनीर में, स्मोकी फ्लेवर। तंदूर नहीं हमारे पास, इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर से वो नीचे लग गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा ये और स्मोक दे देते हैं। ये प्लेट हम यहाँ पे रख देंगे और इसमें घी डाल देते हैं और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। हमने ये प्याज और टमाटर वाला जो हमने रखा था उबाल के उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। हमारी काजू मगज की जो पेस्ट है वो भी हमने पीस ली है और ये हमारे टमाटर प्याज की ग्रेवी हमने छान के रख ली है। अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने ये पॉट ले लिया है, अब इसमें हम घी डाल देते हैं। हम बटर की जगह पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये जो टमाटर प्याज की पेस्ट बनाई है उसको ऐड कर देते हैं और इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हम हल्दी नहीं ऐड कर रहे हैं। इसमें अब ये जो काजू मगज की हमने पेस्ट बनाई है उसको भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट में हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं। हमने फिर से कोयला जला लिया है और हमारा जो पनीर बटर मसाला है उसको एक स्मोकी फ्लेवर देंगे।
हमारा पनीर बटर मसाला रेडी है। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम प्योर घी डाल देंगे। बताइए कैसा दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।